जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम उभरता झारखंड में। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत, इसी पथ पर चलकर भारतीय खिलाड़ी कई नए इतिहास लिख रहे हैं। कीर्तिमान खिलाड़ी उभर कर आगे आ रहे हैं, सही ट्रेनिंग पाकर खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण एवं अन्य पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इस मुकाम को हासिल करने में खिलाड़ियों का पूरा सहयोग दे रहा है टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी। किसी भी उद्योग का मूल मंत्र होता है खूब सारी धनराशि कमाना, पर जिस समाज से कमाई हो रही है उस समाज के प्रति भी उद्योग का कोई दायित्व बनता है और इसी सामाजिक दायित्व को भली भांति समझा है टाटा समूह ने। जमशेदपुर में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण द्वारा सही मार्गदर्शन, इसी उद्देश्य से स्थापना की गई थी टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी की। भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, ओलंपिक्स में आर्चरी में भारत को सम्मान दिलाने वाली दीपिका कुमारी सहित कई अन्य खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से न सिर्फ एकेडमी बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फिलहाल एकेडमी का पूरा ध्यान 2020 और 2024 में हो रहे ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को तैयार करने में है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं खेल जगत में टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी किस तरह बदलाव ला रहा है। भारतीय संस्कृति में खेल को कई रूपों में देखा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोग संसार की रचना को ही सर्वशक्तिमान सत्ता का खेल मानते हैं। इस मान्यता ने लोगों का जीना भी आसान किया। वहीं कभी ये खेल युद्ध कौशल के विकास का माध्यम भी रहा है। कमोवेश आज भी यह कायम है। खेल को शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का जरिया भी माना गया है। खेल मनोरंजन का वर्षों से दुनिया के लिए सबसे उपयुक्त और सटीक माध्यम रहा है। सच पूछा जाए तो खेलो प्रक्रिया है जो इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से सबल और स्वास्थ्य बनाता ही है। खेल में वो जादू भी है जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। आपसी तालमेल और सामंजस्य के साथ एक दूसरे पर भरोसा करने का विश्वास पैदा करता है खेल। इस खेल का इतिहास काफी पुराना है और दुनिया के सभी देशों में इसकी अपनी अपनी लोकप्रियता है। आधुनिकता के इस काल में खेल न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम या स्वास्थ्य का साधन भर है बल्कि करियर का एक बेहतर विकल्प भी साबित हो रहा है। पिछले एक दशक में खेल को लेकर लोगों की सोच में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। तभी एक कहावत प्रचलित हुआ करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर आज खेलों में करियर की संभावनाओं ने इस कहावत की सार्थकता को ही खत्म कर दिया है। खेल आज यश, वैभव और सम्मान का माध्यम बन के उभरा है। यदि हम झारखंड की बात करें तो यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है उसे तराशने की और एक काम इस राज्य में कई खेल प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा किया जा रहा है। उसमें सबसे अग्रणी नाम है टाटा स्टील अथॉरिटी का। टाटा के फाउंडर जमशेद जी टाटा की दूरदर्शी सोच ने खेल को प्रमोट करने के लिए काफी काम किया। टाटा ने ही पहली बार खेल को कॉर्पोरेट से जोड़कर एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो विचारधारा है वो शुरू हुई है हमारे फाउंडर जमशेद जी नसरवन जी टाटा जी से,
और उन्हीं की ये विचारधारा थी कि जब ये 100 साल पहले जब ये जमशेदपुर टाउन बना था, जब ये हम प्लांट एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट बना, तभी उन्होंने प्लान किया कि जब यहाँ लोग काम करने आएंगे तो यहाँ पे हर तरह का स्पोर्ट्स का माहौल होना चाहिए, जो उन्होंने अपने बेटे दोराब टाटा के खत को खत में लिखा था। सो दोराब टाटा जी जो उन्होंने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और उसमें उनका भी स्पोर्ट्स के प्रति उनका भी काफ़ी लगाव था। वो खुद ही जब वो 1920 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दोराब टाटा उस वक्त मेरे ख्याल से एंट्रोप ओलंपिक्स में उन्होंने अपने खर्चे से 4 इंडियंस को स्पॉन्सर किया ताकि वो ओलंपिक्स में अटेंड कर सके। यहाँ इंडोर और आउटडोर खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों की प्रतिभा को और निखारने के लिए सालों भर प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ होता रहता है, साथ ही अभिभावकों से भी उनकी राय ली जाती है। तो टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के अंतर्गत, जैसा अभी आपने कुछ देर पहले हमारे सीनियर कुलीग मिस्टर मुकुल चौधरी जी से सुना होगा कि सेंटर फॉर एक्सेलेंस है जिसको हम लोग एकेडमी के नाम से जानते हैं, तो उसमें टाटा आर्चरी एकेडमी है, टाटा फुटबॉल एकेडमी है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हमारे पास टाटा स्टील के साथ बॉक्सिंग और एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर भी है। इसके अलावा हमारे पास 17 स्पोर्ट्स डिसिप्लिनस में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर और एकेडमी में जो खास अंतर है वो ये है कि एकेडमी जो है वो रेसिडेंशियल है, जहाँ पे बच्चे एक सिलेक्शन ट्रायल के तहत आते हैं और फिर हमारे साथ रहते हैं। ट्रेनिंग सेंटर जो ऐसा चीज़ है जिसमें कि बच्चे हम लोग 5 वर्ष से लेकर 13 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को एडमिशन देते हैं और ये सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से आ सकते हैं। और जो अगर मैं कुछ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के बारे में बताऊँ आपको, तो इंडोर गेम जैसे टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन और आउटडोर गेम जैसे एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, सो इस तरह बॉक्सिंग, इस तरह कुल 17 कबड्डी हैं हमारे पास जिसमें कि ये बच्चे आते हैं। और इनका जो प्रशिक्षण होता है वो हमारे पास बहुत ही कुशल कोच हैं जो प्रत्येक दिन शाम को सप्ताह में 6 दिन इनको ट्रेनिंग देते हैं। और हमारा जो आप देखा आपने कुछ देर पहले यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको ये यूटिलाइज़ करते हैं, तो इस तरह ये आते हैं हमारे, जो इतना अच्छा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इनको मिलता है, जो हमारे कोचेस जो कि क्वालिफाइड हैं वो इनको ट्रेंड करते हैं और उसके साथ ही हम लोग उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करते हैं, क्योंकि हम सालों भर कई तरह के इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और वो इवेंट स्कूल लेवल का भी हो सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का भी होता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियनशिप भी होता है, और जिसमें हर तरह से ये बच्चे भी बाकी टैलेंट जो हैं हमारे शहर में, राज्य में या देश में, वो उनके साथ कम्पीट करते हैं। तो इस तरह उनको एक मौका मिलता है अपने सबसे पहले तो स्किल को कुशल बनाने का और उसके बाद एक उचित प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। जीवन में भर लो रंग हुनर के संग, और खेल के क्षेत्र में ये हुनर सिखला रहा है टाटा स्टील अथॉरिटी का प्ले एकेडमिक सेंटर। आज टाटा दुनिया में गाड़ियों के निर्माण के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये खेल के रणबांकुरों को भी पैदा कर रहा है जो कि दुनिया में भारत का लोहा मनवाने में सफल हुए हैं। यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम भी लहरा चुके हैं। यहाँ वर्तमान में 17 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो कि पूरी तरह से निशुल्क है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में अधिकांश वैसे बच्चों को लिया जाता है जो झारखंड के सुदूर गांवों में रहते हैं। आर्चरी सेक्शन की कोच पूर्णिमा बताती हैं कि हम लोग तो बच्चे लोगों को गांव से और जो जमशेदपुर सराउंडिंग है उन लोग वहाँ से बच्चे लेते हैं और 50% बच्चे बाहर से भी लेते हैं ऑल इंडिया में। तो यहाँ से बहुत बच्चे पास आउट हुए हैं, जॉब में भी गए हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर भी बने हैं। कोई कोई जो बच्चे गाड़ी मतलब नहीं देखे वो लोग फ्लाइट में चढ़ के फॉरेन गए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे वी प्रणीता जो ओलंपियन बनी और वर्ल्ड में मेडल जीती, फिर दीपिका को सब पता ही है, दीपिका यहाँ से बहुत बड़ी एक आर्चर निकली है। अभी
रिसेंटली कोमोलिका बारी जो वर्ल्ड नंबर कैडेट में चैंपियन बन के आई है, वर्ल्ड नंबर वन है। यहाँ के एकेडमिक सेंटर में बच्चों की चयन प्रक्रिया काफी पारदर्शी है। सुदूर गांव और आसपास के इलाकों से एक मानक के तहत प्रतिभाओं का चयन होता है। 5 साल से 14 साल के लड़के लड़कियों का यहाँ चयन होता है। चयनित प्रतिभाओं को पूरे अनुशासन में यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बदल जाता है क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो स्कूल गोइंग बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, थोड़ा मोड़ा खेलते हैं और वापस आ जाते हैं। पर यहाँ पे वो लाइफ पूरा उसका चेंज हो जाता है। मॉर्निंग से पूरा शेड्यूल शुरू होता है 6 बजे से, मतलब ठंडा के दिन में 6 बजे से, नहीं तो 5:30 उठ के वो लोगों का ग्राउंड जाना है। उसके 6 to 7:30 ये लोग पूरा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फिजिकल करने के बाद 8:30 फिर ग्राउंड आते हैं, फिर 12 o'clock तक प्रैक्टिस करते हैं। उसी में कितना एरो शूट करना है हम लोग सजेस्ट करते हैं, किसको कितना मीटर शूट करना है, और फिर बो ड्राइंग होता है जबकि हमारा बो कंट्रोल में रहे। एक बो ड्राइंग होता है वो हमारा आधे घंटे का होता है। फिर वो लोग जाते हैं खाना खाते रेस्ट लेते, फिर 2:30 बजे वापस आते हैं ग्राउंड, फिर प्रैक्टिस करते। तो जिस शेड्यूल के अनुसार किसी दिन प्रैक्टिस 1 घंटा करके जिम होता है और किसी दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस 5:30-6 बजे तक होता है। उसके बाद फिर जिस दिन जिम नहीं होता है उस दिन हमारा नाइट प्रैक्टिस भी होता है, और जिस दिन जिम होता है तो नाइट प्रैक्टिस हमारा रेस्ट रहता है। इवन संडे में भी हम लोगों का नाइट प्रैक्टिस होता है। तो नाइट प्रैक्टिस 8:30 to 10 o'clock तक नाइट प्रैक्टिस होता है। यहाँ 1989 से शतरंज का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें 3.5 साल से 5 साल के बच्चों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। वैसे 15 साल तक के बच्चों को इस अकेडमी में लिया जाता है। शतरंज के हर चाल में उन्हें माहिर बनाया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षित शतरंज के ये शहजादे देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज इस अकेडमी की देन है, यहाँ से बाहर भी शतरंज का क्रेज काफी बढ़ा है। जमशेदपुर के कई स्कूलों में विद्यार्थियों को शतरंज का प्रशिक्षण दिया जाता है। लोग चेस का ट्रेनिंग के मतलब चेस खेलना ही समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप चेस खेलते रहिएगा तो आपका लेवल तो वही रहेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो हर मूव का पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसका स्ट्रेटेजी होता है। तो यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आते हैं पहले हम लोग उसको बोर्ड के बारे में, बोर्ड में 64 घर हैं उसके बारे में बताते हैं, पीसेस के बारे में बताते हैं, और उसका पीस प्ले भी सिखाते हैं कि उस सब पीसेस को कैसा खेलना है। क्योंकि दो राजा के बीच में लड़ाई है, एक व्हाइट साइड का एक ब्लैक साइड का, तो कैसे स्ट्रेटेजी फिट किया जाता है। तो उसमें ओपनिंग पार्ट पहले सिखाया जाता है, फिर मिडिल गेम क्या आता है, फिर एंड गेम। ये 3 स्टेज है चेस खेल का, तो चेस खेल का 3 स्टेज यहाँ पर सिखाया जाता है। और इस दौरान बच्चे लोगों को टूर्नामेंट में भी भाग लेने का मौका मिलता है। तो वो यहाँ जो सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल वो टूर्नामेंट में ही वो प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोग को उसी से ही इवैल्यूएशन करना है कि बच्चा कितना सीख रहा है। कोई भी खेल विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ तो बनाता ही है, उसके मस्तिष्क को भी तीक्ष्ण बनाता है। उनमें एकाग्रता बढ़ती है और उससे अनुशासन आता है। 7 साल की नाभिका जायसवाल कहती हैं कि शतरंज एक माइंड गेम है, उनका सपना है ग्रैंड मास्टर बनने का। चेस एक माइंड गेम है जो मैं स्कूल में भी है, और मैं जब 5 साल की थी तब से खेलती। और अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं आप खेलने? मैं यहाँ JID में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, स्टेट नेशनल, मैं यहाँ खेली हूँ, स्मार्ट गर्ल्स खेली हूँ देवघर में, और नेशनल खेली हूँ अहमदाबाद में। और यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं सेंटर में, तो यहाँ पे कैसा ट्रेनिंग मिलता है? अच्छा सर, कैसा पढ़ा बताते हैं, किस तरह? अच्छा सिखाते हैं सर और मैम। यहाँ 2011 में बैडमिंटन का भी प्रशिक्षण शुरू किया गया था। तब इसने देश को कई बैडमिंटन के खिलाड़ी दिए जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान भी बना चुके हैं।
यहाँ खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। मैं इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मेरा करंट वर्ल्ड रैंक 6 है और इंडिया रैंक 2 है मेन सिंगल्स में। अभी मैं पैरालंपिक्स क्वालिफाइंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने मेन्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उसके बाद मैंने थाईलैंड में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल और चाइना में सिल्वर मेडल जीता है। करेंटली मैं टाटा स्टील बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इन बिटवीन मैं गोपीचंद एकेडमी में भी 2 महीने के लिए मैंने ट्रेनिंग किया था। JRD टाटा कॉम्प्लेक्स भारत के जाने माने खेल प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ अन्य खेलों के साथ साथ कराटे का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कराटे कोच नागेश्वर राव बताते हैं, कराटे चैंपियनशिप में इंडिया रिप्रेजेंट किया हूँ चाइना हांगकांग में। इसके अलावा जापान ट्रेनिंग के लिए मैं 2-3 बार गया हूँ। स्पेशल एडवांस ट्रेनिंग में ग्रैंड मास्टर के अंडर में सीखा हूँ। मुझे 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट मिला है और मैं नेशनल कोच भी हूँ और मेरे अंडर से बहुत से बच्चे हैं जो सीख के नेशनल चैंपियन बना है, इंटरनेशनल चैंपियन बना है। रिसेंटली काठमांडू में जो चैंपियनशिप हुआ उसमें हमारा एक कनिषा दास है जो छोटी बच्ची है और वो गोल्ड मेडल जीती है वहाँ से, जिसको हमारा डिपार्टमेंट सम्मानित भी किया। हम लोग यहाँ पे बच्चे को तैयार करते हैं। जब यहाँ पे समर कैंप हम लोग का लगता है उस समय जितने भी बच्चे यहाँ पे मेडल लेके आते हैं तो वो लोग को बोलते हैं कि हम लोग रेगुलर में एडमिशन लो, ठीक है। वो लोग रेगुलर में एडमिशन ले लेता है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो धीरे धीरे अच्छा करने लगता है वो लोग हम लोग को अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू वहाँ पर गाइड करते हैं और उसके बाद उसको तैयार करवाते हैं। 2-3 साल तैयार करवाते हैं, उसके बाद उसको स्टेट में पार्टिसिपेट करवाते हैं। जो लड़का स्टेट में मेडल लेके आ जाता है उसके बाद उसको नेशनल के लिए हम लोग रेडी करते हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छा करवा रहे हैं। अभी 1-2 साल में हम लोग इंटरनेशनल भी 1-2 बच्चे हैं जो खेलने चले जाएगा। खेल के लिए फिटनेस आवश्यक है और फिटनेस के लिए व्यायाम। व्यायाम इनके शेड्यूल का प्रमुख हिस्सा भी है। इसके लिए यहाँ कोच की व्यवस्था भी की गई है। एक्सरसाइज के लिए अत्याधुनिक मशीनें भी यहाँ लगाई गई है। हर खेल से जुड़े खिलाड़ियों के लिए यहाँ अलग अलग व्यायाम की व्यवस्था भी की गई है। हर एक स्पोर्ट्स का अलग अलग अपना अपना डिमांड होता है। जैसे फुटबॉल में उन लोगों के लिए स्प्रिंटिंग एबिलिटी, उन लोगों का पावर, उन लोगों का एजिलिटी वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर टीम वर्क रहता है, टीम वर्क के दायरे में खेला जाता है। और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जैसे आर्चरी, वहाँ पर उन लोगों का अलग ही डिमांड है स्पोर्ट्स का। जैसे उन लोग इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं असल में, तो इन लोगों का क्या है, इंडिविजुअल जो प्रोग्राम है उन लोगों के लिए दिया जाता है, इंडिविजुअल प्रोग्राम जिसमें वो लोग
अपना बैक मसल्स, अपना शोल्डर, अपना स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि फुटबॉलर्स लोग को भी स्टेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करना पड़ता है, सब स्पोर्ट्स में वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक स्पोर्ट्स का अलग अलग डिमांड होता है जो स्पेसिफिकली अटैच किया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से खेल सके। टाटा स्टील अथॉरिटी की एक पूरी टीम है जो 24 घंटे खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए तैयार रहती है। इनका उद्देश्य सिर्फ खिलाड़ी बनाना नहीं बल्कि चैंपियन बनाना है। तो इस टाइप के एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट जो है एथलीट्स को वो सपोर्ट देते हैं जो एक एथलीट को चैंपियन लेवल तक पहुंचाने में बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के साथ ही साथ नंबर टू, हमारे पास एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम है जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोज, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग टीम, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड मैस्योर्स, इसकी एक पूरी टीम है जो एथलीट्स को एक ओवरऑल सपोर्ट देती है कोचेस के साथ साथ। खेल का बाजीगर वही होता है जो अपने खेल के तकनीक और हुनर से पूरी तरह वाकिफ हो। यही हुनर और हौसला भरने का काम कर रहा है टाटा स्टील अथॉरिटी। टाटा स्टील अथॉरिटी की ही देन है कि आज जमशेदपुर के 8 स्कूलों में फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जमशेदपुर एफसी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है जो कि जमशेदपुर में नहीं था। टाटा फुटबॉल एकेडमी सबसे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन वो अंडर 14 से ऊपर का डेवलप करते थे जिसका चलते यहाँ का छोटे बच्चे लोग गुमराह हो जाता था और उसमें अच्छे प्लेयर नहीं बन पाते थे। और इसीलिए जमशेदपुर एफसी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है कि अंडर 5 से लेकर ऊपर जितना भी बच्चे हैं उसको डेवलप करने के लिए एक अच्छा सोच लेकर आए हैं, जिसका चलते जमशेदपुर में अभी 8 स्कूल में शुरू किए हैं। और यहाँ बच्चे लोग जो खेलना चाहते हैं, फुटबॉल एक ऐसा चीज़ है कभी भी कहीं भी और कोई भी स्थिति में खेला जाता है, यही एक गेम है, फिजिकल गेम, जिसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है और बच्चों में फिटनेस आता है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इस खेल में झारखंड के प्रतिभाओं ने हमेशा से अपना परचम लहराया है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हॉकी के प्रदर्शन में यहाँ के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया। 2017 में नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी की स्थापना हॉकी को एक नई पहचान देने के लिए की गई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जहां नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी है, और ये हम लोग ने झारखंड के ट्राइबल बेस को ज़्यादा अप्रोच किए हैं, बिकॉज रांची से लेके खूंटी, सिमडेगा, गुमला, ये एरिया में हम लोग ने देखे कि काफ़ी हॉकी का पोटेंशियल है, हॉकी प्लेयर्स के बच्चे भी काफ़ी अच्छे खेलते हैं। सो मेरा ये जो प्रोग्राम है ये हम लोगों इस झारखंड में ही अभी सीमित नहीं रख के हम लोग झारखंड के बाहर भी गए हैं। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हर खिलाड़ी का एक ही सपना है कि वो ओलंपिक में अपना जौहर दिखलाए और भारत के लिए मेडल जीत कर लाए। खेल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें दक्ष बनाया जा रहा है। मेरा नाम बिरसा मुंडू, मैं खूंटी जिला के रहने वाला हूँ। यहाँ जमशेदपुर नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी में मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ? 2017 में हुआ था, जो फॉरनर के कोच और संदीप सिंह वो खूंटी में आए थे, उसके बाद वो ट्रायल लिया था, वो सिलेक्शन लिया था। मैं 2016 में शुरू किया था हॉकी खेलने। मेरा हॉकी में ज़्यादा लंबा करियर नहीं है। मैं TSRDS में ज्वाइन किया हॉकी, जो हमारे स्कूल में होते थे। उसके बाद वहाँ से मैं नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी के ट्रायल हो रहा है पता चला, उसके बाद मैं उनका ट्रायल दिया,
तो ट्रायल में सिलेक्ट हो गया हूँ। उधर पे झरिया फीडर सेंटर बोल के एक फीडर सेंटर है, इसका ही छोटा ग्रास रूट का है, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं इधर पे टाटा फुटबॉल एकेडमी बहुत पहले ही नाम सुना था, तो उसका ट्रायल फेस किया। ट्रायल सिली में हुआ। ट्रायल देने के बाद मेरे को चांसेस मिला, सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट यहाँ पे फाइनल ट्रायल में आया, यहाँ पे भी फाइनल ट्रायल सिलेक्शन हुआ। टाटा स्टील अथॉरिटी का ये JRD टाटा कॉम्प्लेक्स, जहाँ इन बच्चों को खेल की हर तकनीकी पहलू की जानकारी दे रहा है, साथ ही उनमें भर रहा है हौसला और आत्मविश्वास, ताकि खेल के मैदान में रच सके बच्चे नया इतिहास और भारत को दिला सके सम्मान और गौरव। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी से प्रेरणा मिली होगी। ठीक इसी तरह की विकास की एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।